पटोले विधानसभा का स्पीकर चुन लिए गए हैं। इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक के बाद बीजेपी ने स्पीकर उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया था। बीजेपी का कहना था कि स्पीकर जैसे संवैधानिक पद पर किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। तो नाना पटोले जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया, स्पीकर विधानसभा स्पीकर चुन लिया गया है। इससे पहले बीजेपी ने किशन किथोरे के नाम का ऐलान किया था, जो कि बताया जा रहा है कि स्पीकर पद के लिए बीजेपी की तरफ से खड़े किए गए थे, लेकिन आज सुबह 10:30 बजे उनके नाम को वापस ले लिया गया। सभी नेता और देवेंद्र जी और मैं ऐसी बैठक हुई, सारों विषयों का विचार विमर्श भी होकर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र की प्रथा परंपरा के अनुसार अध्यक्ष पद की चुनाव न होगी, यह बिनविरोध अनकॉन्टेस्टेड होगा और इसलिए अभी अभी हमने किशन कटोरी जी का नामांकन पत्र वापस लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा, वो बिनविरोध होगी। तो ये जो संवैधानिक परंपरा चली आ रही थी उसके खिलाफ होता, लिहाजा उसका ख्याल रखा गया और फिर बीजेपी ने तय किया कि वो विधानसभा स्पीकर के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हालांकि कल तक बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो उम्मीदवार उतारेगी और किशन किथोरे के नाम का ऐलान भी किया गया था, लेकिन आज उनके नाम को वापस ले लिया गया। बीजेपी ये कह रही है कि संवैधानिक परंपरा के अनुरूप नहीं होता, लिहाजा उन्होंने ये फैसला लिया। तो नाना पटोले स्पीकर बन गए, कांग्रेस के विधायक है, भंडारा से विधायक हैं और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार, जिन्हें विधानसभा स्पीकर निर्विरोध